हेलो हेलो, एक लड़का जो अपना नाम अर्जुन कपूर बता रहा है फिल्म इंडस्ट्री में खो गया है। अगर किसी को ये लड़का मिले तो इनके पिताजी बोने कपूर को वापस करके आइए और समझाइए इनसे एक्टिंग नहीं होगी। हाय गाइस, मैं हूँ शांतनु और ये है जैन। और इस बार हम देख के आए हैं साल की तीसरी सबसे वाहियात पिक्चर, तू नाम ले इसका, कबाड़ है। हम इस बार प्रोडक्शन के पैसे से देख कर आए हैं नमस्ते इंग्लैंड। जसमीत जी, हमारे इश्क की इनॉग्रेशन की जाए। यार अब मैं क्या ही बोलूं, 11 साल पहले आई थी नमस्ते लंदन, जिसमें लड़कों के दिलों में और आंसू आ गए थे आंखों में ऐसी पिक्चर देख के। नहीं, आंसू तो इस बार भी आ गए, लेकिन इस बार दर्द दिल में नहीं, इस बार दर्द सर में हुआ, आंखों में हुआ। लेकिन फिल्म इतनी बुरी है कि हमने प्रोटेस्ट करने के लिए ब्लैक बैंड्स पहने। यार मतलब हमें लगा कि रेस 3 ने पेडेस्टल सेट कर दिया होगा चापे का इस साल, लेकिन अर्जुन कपूर ने मात दिया सलमान भाई को पूरी। नेपोटिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जांपल था ये फिल्म, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ इट हैड प्रीटी, इट हैज सॉरी प्रीति जिंटा, नो नॉट प्रीति जिंटा, प्रीति जिंटा नहीं, परिणीति चोपड़ा। फिल्म हैज परिणीति चोपड़ा एंड अर्जुन कपूर, जिनका दूर दूर तक फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं। मतलब इन्हें को क्यों बनाया गया ये, और हर बात पे हंस देते हैं। बनाया नहीं गया है बेटा। तुम्हारे बाप का क्या नाम है? नरेंद्र लाल शर्मा। उसके बाप का नाम बोनी कपूर है। In my opinion, Namaste England was the greatest service to couples of India. Anybody who did not have a room could actually find an empty theater hall to make out. सब ऐसे एकदम। इधर आओ। पिक्चर तो बेकार है, पप्पी दे दो। तो सतीश कौशिक का जो कैरेक्टर है वो एक रियल लाइफ सिंगर से मिलता जुलता है, नाम बता भाई। ना 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 रे ना रे ना रे। वो कराते हैं लोगों की कबूतरबाजी। लंदन जाना लीगल इल्लीगल। तो सात समंदर पार वहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, एक मैडम है वो बहुत ही ज्यादा हॉट है, उनका नाम है अलीशा, और उनके बचपन के दोस्त है समर, वो बंदा होता है जो परिणीता के साथ। परिणीता तू वही अटका हुआ, ये भाई साहब इसको सैफ अली खान की पिक्चर दिखाओ। फिल्म में परिणीति चोपड़ा कैरेक्टर एक ऐसी लड़की का है जो नौकरी करना चाह रही है और वो नौकरी नहीं कर पा रही, इसलिए उसने एक प्लान बनाया कि वो शादी कर लेगी। पिक्चर का स्टोरी ये है कि पिक्चर में कोई स्टोरी नहीं है। मतलब पूरी पिक्चर में हम यही ढूंढते रहे, अब स्टोरी होगी, अब स्टोरी होगी। पहले तो इंटरवल हो गया, फिर पिक्चर खत्म हो गई, पर स्टोरी नहीं आई। डायरेक्टर ने तो सोचा ही नहीं ना सेंस बनाने का। विपुल सर, विपुल सर, आज क्या करना है? अरे जो मर्जी करो, तुम्हारा सेट है, तुम्हारी फिल्म है, जो मर्जी करो। विपुल सर, विपुल सर, आज क्या करना है? पिक्चर देख, कौन सी लेके पिक्चर देख के आते? सर पिक्चर तो वो लेगी जेट एंड जूलियट 2। हाँ टिकट बुक करा, चलते दोनों। और सर अपनी शूटिंग का? अरे आग लगा शूटिंग में, चलती रही शूटिंग। डायरेक्टर सोचा नमस्ते लंदन बनाई थी, अब नमस्ते इंग्लैंड बनाऊंगा, अगले 11 साल में बनाऊंगा नमस्ते नॉटिंगहम, नमस्ते बर्मिंगहम, नमस्ते मैनचेस्टर, नमस्ते लिवरपूल। जहाँ 2018 में मीटू जैसी मूवमेंट चल रही है, वहीं नमस्ते इंग्लैंड स्टॉकिंग को भी प्यार बता रहे हैं। बेसिकली अर्जुन कपूर के पास कोई काम नहीं, वो अपने चार लफंडर दोस्तों को लेता है और त्यौहार टू त्यौहार परिणीति चोपड़ा पर घूरता रहता है। वो भाई साहब दशहरे से शुरू करते हैं, कुछ नहीं छोड़ते भाई, दूज भी नहीं। लेटर हैवर लाइफ। अबे बात कर ले जाके। फिल्म के फर्स्ट हाफ में एक ही गाना 10 मिनट तक प्ले होता है, जिसके बीच बीच में थोड़े थोड़े सीन दिखाए आपको। मतलब गाने के बीच में पिक्चर है, हाई स्कूल म्यूजिकल है ये। कोई दिमाग नहीं लड़ाया गया है पिक्चर में, लोग आए बस खाना खाया प्रोडक्शन के पैसों से, थोड़ी बहुत एक्टिंग करी, जेब में हाथ डाल के खड़े हो गए और दफा हो चलते बने। दोनों की शादी हो जाती है एंड परिणीति स्टिल डजंट गेट टू वर्क, बिकॉज दादाजी शादी के लिए शर्त रखते हैं कि कह के बेटी अपनी दे दूंगा पर नौकरी नहीं कराओगे तुम उससे। परिणीति चोपड़ा को लगता है कि दी ओनली वे टू गेट आउट ऑफ हर दादाज चंगुल एंड टू एक्चुअली डू अ जॉब, शी नीड्स टू गो टू इंग्लैंड। तुम जरूर समझोगे कि मैं लंदन क्यों चली गई। यहाँ हमें लगता है नौकरी पे नहीं जाना, छुट्टी मार के वर्क फ्रॉम होम लूंगा, कभी ये नहीं सोचा इंग्लैंड चला जाता हूँ। इसके बाद आता है एक ऐसा ट्विस्ट, नहीं जो हम आपको नहीं बताएंगे, फिर आपको आपको स्पॉइलर दे दिया। स्पॉइलर फिल्मी स्पॉइलर है। हर हफ्ते जाके हम कूड़े में मुंह दे देते हैं अपना। और यहाँ पर होता है फिल्म का इंटरवल, विच वॉज द मोस्ट एंटरटेनिंग पार्ट ऑफ द फिल्म। इंटरवल के बाद फिल्म का एक लौता अच्छा सीन आता है, अर्जुन कपूर बैठ गया। फिल्म में अर्जुन कपूर इल्लीगल तरीके से यूरोप जाते हैं एंड द सीन हैज बीन वेरी वेल रिसर्च्ड। हमारे अर्जुन कपूर जी वहां जाके 2 दिन में सबसे हाई क्लास लड़की सेट कर लेते हैं। हाँ, जस्ट बाय टेलिंग हर द स्टोरी, वो स्टोरी जो हम आपको बताएंगे नहीं बिकॉज़ ऑफ स्पॉइलर है। फिर बोलोगे स्पॉइलर दे दिया, स्पॉइलर स्पॉइलर। अब हम चाहते हैं तुम जाके अपने पैसे में आग लगाओ, आग लगाओ। देखो देखो, इतनी दूर मैं यहाँ आई हूँ
अब मैं वापस नहीं जा सकती परम। अबे तेरे को पता मैं कैसे आया हूँ यहाँ पे? क्या 17 दिन कंटेनर में बंद रहा हूँ? तू बिजनेस क्लास में बैठ गई है, मेरे साथ 2 लोग मर गए क्यूबा में। कभी वो यहाँ टप आ रहा, कभी कहते हैं मुंह पे वो डाल लो CO2 वाला, चेक करेंगे। तू कैसे आई है मार्गरिटा पीती हुई? मुझसे पूछ रही है कैसे आई है। एंड दिस वन डायलॉग दैट स्टक विद मी फॉर द फिल्म वेयर एन ओल्ड गाय टेल्स अर्जुन कपूर की क्या करें, रोटी के लिए तो जाना पड़ता है। अर्जुन कपूर ने जितनी एक्टिंग इतने साल में सीखी थी सब लगा के बोला कि दादाजी रोटी तो गुरुद्वारे में भी मिल जाती है, बाहर तो आप टॉयलेट के लिए जाते हो। वो 6 कपल जो मेकआउट कर रहे थे सडनली ताली बजाने लगे, तभी इसने सोचा अब नहीं जाऊंगा बिना वीजा के। मैंने तो इरादा बना लिया था यहाँ से बांग्लादेश, वहां से क्यूबा, वहां से मैक्सिको, मैक्सिको से सीधा इंग्लैंड, सीधा इंग्लैंड, मैक्सिको से US जाया जाता है अनपढ़ के बच्चे, इंग्लैंड का मुझे क्या पता भाई, मेरा तो दिल्ली गुड़गांव है दिल्ली का। मीट हिमेश सर, जहाँ नमस्ते लंदन के गाने बहुत अच्छे थे, इसकी गाने इक्वली बैड है। ना स्टोरी ओरिजिनल, ना गाने ओरिजिनल, ना डायरेक्टर ओरिजिनल, तो फिल्म दिखाई क्यों? दिखाई क्यों? पैसे वापस कर मेरे तेरी। नमस्ते लंदन गाने कितने अच्छे थे गाइस, वो गाना आपको याद है, रफ्ता रफ्ता जो था दीवाना तेरा हुआ। सर रोटी आई, रोटी आएगी घर में, लेकिन रोटी ऐसी पिक्चर ऐसे गाने बनाओगे रोटी जाएगी घर से, जाएगी घर से, ना रोटी आएगी ना वोटी आएगी। और जब पोटी आएगी। Anyway, on that note, I think we can end this review. Yes. So if you like the review, please don't go and watch Namaste England. Like करिए, share करिए और tag करिए अपने दोस्तों को। मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी हूँ, तेरी आँखों